हरियाणा विधानसभा 2019 चुनाव लगभग अंतिम दौर में चल रहा है और सभी पार्टियों द्वारा अपने स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार झोंक दिए गए हैं, जिसके चलते करनाल में भाजपा के उम्मीदवार मनोहर लाल के सामने चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के उम्मीदवार सरदार त्रिलोचन सिंह के चुनाव प्रचार में दिल्ली से चांदनी चौक के विधायक कांग्रेस की स्टार प्रचारक एवं सुप्रसिद्ध वक्ता अलका लांबा द्वारा करनाल के विकास नगर गुरुद्वारा सिंह साहब के समीप एक जनसभा को संबोधित किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर एवं उनकी कार्यशैली पर कड़े प्रहार किए। इस दौरान उन्होंने जनता से सरदार त्रिलोचन सिंह के पक्ष में वोट की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी अनुच्छेद 370 पुलवामा हमला एवं पाकिस्तान के नाम पर वोट ले रही है। यहाँ पर मुख्यमंत्री जातिवाद के नाम पर लोगों को भड़का भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अन्याय के साथ हमेशा लड़ाई लड़ी है। सरदार त्रिलोचन सिंह यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, करनाल के रहने वाले हैं, जो करनाल की जनता के बीच रहकर लोगों की सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए हैं उनको देखते हुए दोबारा से कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए सहयोग और समर्थन। इस मौके पर सरदार त्रिलोचन सिंह ने लोगों को संबोधित किया और कांग्रेसी दोबारा घोषणा पत्र में किए गए वादों के बारे में जनता को अवगत करवाया। दिल्ली के चांदनी चौक से क्रांतिकारी विधायक अलका लांबा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने कोई भी विकास कार्य हरियाणा में नहीं किए हैं। उन्होंने कहा मौजूदा के सरकार के समय में किसान, गरीब, व्यापारी, हर वर्ग पीड़ित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बिल्कुल हरियाणा में विफल हो गया है। आए दिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, परंतु यह लोग देश को बांटने के नाम पर झूठे वादे कर जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने सरदार त्रिलोचन सिंह के पक्ष में मतदान करने का आह्वान भी किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता में जनसमूह मौजूद रहा। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, आम कांग्रेसी नेता नहीं है। 1995 में दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट बनी थी, उसके बाद 1997 में ये NSUI ऑल इंडिया की प्रधान बनी। 2002 में ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की महासचिव बनी है और 2003 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने इनको टिकट दिया मदन लाल खुराना के खिलाफ, जो दिल्ली का बहुत बड़ा नेता था। इन्होंने उसके खिलाफ लड़ने की हिम्मत दिखाई, इन्होंने जिम्मेवारी ली है भाई मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ूंगा। और मुख्यमंत्री भी आप और हमारे जैसे इंसान है। 1991 में देवीलाल इतना बड़ा नेता था, भी एक आम आदमी ने छत्रपाल ने हरा दिया था, बताओ आप लोगों को। तो जैसे लहर चल रही है कांग्रेस की, तो कांग्रेस की सरकार बड़े बहुत भारी मोहम्मद से बनेगी। आप सब लोग 21 तारीख को सब काम छोड़ गए, ज्यादा से ज्यादा वोट डालनी है। और मेरी हस्ती है अपनी ऐसी कि मिटती नहीं किसी से, यूं तो सदियों से दुश्मन रहा तेरे जहां हमारा, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सम्मानित मंच पर विराजमान दिल्ली विधानसभा में मेंबर हमारी बड़ी बहन अलका लांबा जी, और सम्मानित मंच पर विराजमान करना। राज किसी को दे नहीं है, जो ले है निज बल से ले है। आपकी बाजुओं में बल होना चाहिए। 21 तारीख को आप कांग्रेस आई के पंजे का बटन दबाकर अगर भाई त्रिलोचन सिंह को MLA बनने में कामयाब करते हैं तो करनाल की तरक्की ऑटोमेटिक हो जाएगी। गरीब और अमीर सबके लिए भाई त्रिलोचन सिंह के दरवाजे खुले रहते हैं। मैं विनती करूंगा अपने भाई से, भ्रमित हो गए थे कि आने वाला कल CM सिटी होगा, जिसको हमने विधायक बनाया, वो आपके दुख और सुख में शामिल होगा। लेकिन पूरे 5 साल के अंदर आपके किसी भाई ने, मेरे किसान भाई ने, मेरे मजदूर ने, कर्मचारी ने, दुकानदार ने अगर ये महसूस किया हो कि जिसको हमने चुना वो हमारे दुख और सुख में शामिल हुआ हो, नहीं। CM सिटी क्राइम सिटी बन गया। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सर इतना कहूंगा कि मैं रोज आपके बीच में रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, सुनते रहते हैं। मैं अलका लांबा जी, जो हवा चल रही है वो कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। अगर आप चाहते हो कि विधानसभा में आपका हिस्सा हो, अगर आप चाहते हो जो पिछले 5 साल से करनाल ठहर गया है, अगर आप चाहते हो
आपके दुख सुख में शामिल होने वाला भाई चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपके विधायक को पता हो वसंत विहार कहाँ है, आपके विधायक को पता हो आर के पुरम कहाँ है, आपके विधायक को पता हो करण विहार कहाँ है, आपके विधायक को पता हो राजीव नगर कहाँ है, तो कृपया कांग्रेस का वोट दे, क्योंकि मैं गली गली का वाकई हूँ। मैंने यही जन्म लिया, यही पढ़ा, यही बड़ा हुआ। जो मेरे साथी मुझे 1982 से देख रहे हैं वो समझते हैं कि एक गरीब घर के व्यक्ति को राजनीति में जिंदा रहने के लिए कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और आज वो जितना मैंने संघर्ष किया उसका फल श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, शैलजा जी ने और भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने मेरे को दिया। लेकिन टिकट तो दे दी, लेकिन आपका सहयोग और प्यार में अगर मैं कहीं वादा कर गई तो हमारा आने वाला कल हमें कोसेगा। कोसेगा क्यों? आने वाले छोटे छोटे बच्चे हमें कोसेंगे। जब आप करनाल का जन्म पला, करनाल में उसने गुरबत देखी, करनाल में उसने अमीरी देखी, करनाल की गली गली का वाकव है, करनाल के बच्चे बच्चे का वाकव है, कौन जाति विशेष कहाँ रहता है, कौन सा मोहल्ला कहाँ पे है, हमारा असली करनाल का नाम क्या है, राजा करण की धरती पे उसे भाई भाई को लड़ाने की जो कोशिश की गई है। शहीद आजम भगत सिंह ने 70 साल पहले नारा लगाया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भारतीय भाई भाई, लेकिन आज भाजपा ने उस नारे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, खंडित कर दिया। आज भाई भाई को लड़ाने की नाकाम कोशिश हो रही है। हिंदुस्तान के लोगों का मैं सलाम करता हूँ, इतना लड़ाने की कोशिश के बावजूद मैं करनाल के लोगों को सलाम करता हूँ, मैं हरियाणा की छठी बरादरी को सलाम करता हूँ, इतना कोशिश कर ली पिछले 5 साल से भाई भाई को लड़ाने की, लेकिन लोग 36 बरादरी का भाईचारा है। हम पंजाब से आए हैं, हम हिंदुस्तान से आए हैं, गुजरात से आए हैं, बंगाल से आए हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान के निवासी हैं। सबसे पहले हम करनाल के निवासी हैं, हरियाणा के निवासी हैं, हरियाणा के सुख दुख के लिए हम अपना खून भी बहाएंगे। लेकिन इन्होंने पिछले दिनों कई कोशिशें की हमारे को लड़ाने के लिए, मेरे ऊपर भी कई तरह के कटाक्ष किए गए, मेरे बरादरी के ऊपर भी कटाक्ष किए गए, लेकिन 36 बरादरी के लोग चाहे वो किसी जाति का भी हो, उन्होंने जब उनको ठोक कर जवाब दिया, उनका दोबारा हौसला नहीं पड़ा कि वो हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ देखते। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, मैंने जो कुछ कहा मैं आज आपके बीच में अपनी झोली आपके सामने प्रसार कर वोटों की अपील करता हूँ कि झोली खाली मत भेजना, वरना हमारे को संपर्क करना को हर अपने आप को ये सोच के कि त्रिलोचन सिंह है, हर बूथ पर खड़े हो जाना, अगर वो किसी तरह की कोई बात कहते हैं हमने गांधी वादी का नजारा देखकर उनके आगे हाथ जोड़ के अपना काम करना है, क्योंकि हम जीत रहे हैं, उनको मालूम है वो कई तरह के हथकंडे हमारे बीच में बनाएंगे। इलेक्शन से 2 दिन पहले वोटों को प्रभावित करने के लिए कई प्रयास करेंगे। मैं आपके चरणों में अपील करता हूँ, आप अपने काम में मगन रहे, आप सोच रहे कि आपका बेटा आपका भाई आपका सिपाही तो लोचे से आपके बीच में है, आदरणीय सबका जो ऑर्गेनाइजर है, अगर मैं नाम लूँ पीछे खड़े हैं तो कई सारे काम कर रहे हैं, सारे मेरे भाई हैं, मैं अगर नाम लूँ तो बहुत समय लग जाएगा, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं किसी इस मिट्टी को करनाल की मिट्टी को नमन करना चाहती हूँ, जिस करनाल की मिट्टी से उस बेटी ने जन्म लिया, जिसने अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को चूमा और करनाल का नाम देश और विश्व में रोशन कर दिया। नाम लेने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं कि वो बेटी कौन है, कल्पना चावला। सबसे पहले उन्हें नमन करती सरदार त्रिलोचन सिंह जी, आपको पता नहीं याद हो या नहीं हो, एक कर्ज है सरदार त्रिलोचन सिंह जी का मेरे ऊपर। पूरे हरियाणा की 90 सीटों में मात्र आपकी सीट के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी से इजाजत लेकर यहाँ आई हूँ। 2003 में जब आपकी बेटी आपकी बहन मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी के सामने लड़ रही थी, तब आप करनाल के इन्हीं लोगों को लेकर मुझे ताकत देने दिल्ली पहुंचे थे, और आज जब सरदार त्रिलोचन सिंह जी हरियाणा के मुख्यमंत्री के सामने पूरे डट के खड़े हैं,
तो वो कर्ज उतारने का मौका मिल गया। आज 2019 में मैं यहाँ पर आई। बेटियों की बात करते हैं, कल्पना चावला की जब बात आती है तो क्यों बात यहाँ से आगे नहीं जानी चाहिए। खट्टर साहब मुख्यमंत्री हैं आप, अपनी उम्र देखते, अपना पद देखते, लिहाज करते, किसी का लिहाज नहीं। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, उसकी ही लाज रखते थे। क्या बयान दिया आपने कुछ दिन पहले, किसके लिए बयान दिया आपने, क्या कहा उसके लिए? मरी हुई चूहिया, गुस्सा था। आधी आबादी ये महिलाएं बैठी हुई है, आपके भी घर में बहन बेटी है। सड़कों में हम इसलिए नहीं उतरे थे कि खट्टर जी ने सोनिया गांधी जी के लिए कुछ कहा है। चिंता हुई, चिंता ये हुई कि जब उस पद पर बैठा हुआ संघी मानसिकता का वो शख्स, जिसकी संकीर्ण सोच महिलाओं के लिए हो सकती है, जब वो शख्स उस पद पर बैठी महिला के लिए सोच, ये नजरिया, ये शब्द मरी हुई चुहिया इस्तेमाल कर सकता है, तो वो हरियाणा की आम माँ बहन बेटी के लिए क्या नजरिया, क्या सोच, क्या व्यवहार, क्या व्यवहार करता होगा, ये हर पिता हर भाई को घर जाकर सोचने की जरूरत है। कश्मीर में 370 धारा हटी क्या? क्या निम्न स्तर का बयान दिया गया? शायद हरियाणा के लोगों को भी अपने ऊपर शर्म आई होगी। खट्टर साहब, बेटियां सांझी होती हैं, बेटियां सबकी होती हैं। कश्मीर में 370 धारा हटते ही कहा हरियाणा में बेटियों की कमी हो गई है, कश्मीर से गोरी लड़कियां लाएंगे अपने लड़कों के लिए। लानत है आपकी सोच पर, लानत है। बेटियां सांझी होती, बेटियों की काया और रंग देखकर बेटियां नहीं ला पाती, भी संस्कार देखकर लाते हैं, और वो संस्कार की आपकी संघ की सोच पर जो है वो हम हमला करेंगे। मैं बताना चाहती हूँ तीन बड़े नेता, क्योंकि यहाँ पर महिलाएं मुझे चार और दो मेरे मंच पे छह दिख रही हैं, लेकिन आप हर एक के घर में माँ बहन बेटियां, हर एक के घर में बेटी है। पार्षद है इनके दिल्ली के अंदर, नाम है आजाद सिंह, पार्षद नहीं मेयर बने। भाजपा का मुख्यालय दिल्ली आईटीओ पर, जो नोटबंदी के बाद करोड़ों रुपया 700 करोड़ का बना, भाजपा के मेयर आजाद सिंह ने उसी कार्यालय में अपनी बीबी को पीटा। सारे आप वीडियो देखा किसी ने, ये नहीं कि दिल्ली का भाजपा का पार्षद मेयर अपनी बीबी को भाजपा मुख्यालय में पीटता है। कार्रवाई किस पे होती है? भाजपा के मेयर आजाद सिंह पे नहीं, उसकी पत्नी को भाजपा की सदस्यता से हटा दिया गया। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, पार्षद से ऊपर उठिए, विधायक कौन है? कुलदीप सिंह सेंगर। किस पार्टी का विधायक है? उत्तर प्रदेश के उन्नाव से भाजपा के विधायक का नाम है कुलदीप सिंह सेंगर। क्या किया उसने? पिता बेटी के लिए रोजगार नौकरी के लिए गया, बोला पिता को बेटी छोड़ जाओ। पिता ने यकीन किया, वोट दिया है, सब कुछ सौंपा है, भरोसा किया है, बेटी छोड़ दी और बेटी का बलात्कार करता रहा। पिता गया थाने में, पिता गया थाने में न्याय मांगने, योगी के दरवाजे पर भी गया कि आपके विधायक ने मेरी बेटी का बलात्कार किया है, आपके प्रधानमंत्री लाल किले से बेटी बचाओ की बात करते हैं, न्याय दीजिए। क्या हुआ? मिला न्याय? नहीं मिला। पिता को पुलिस बुलवाकर थाने भिजवाया, रात भर पिता की पुलिस हिरासत में इतनी पिटाई की कि सुबह पिता की मौत हो गई, दम तोड़ दिया, बेटी को न्याय नहीं दिला पाया। चाचा आगे आया, चाचा आज जेल में है। माँ आगे आई, एक्सीडेंट में मरवा दिया। बची कौन? बेटी बची, और बेटी का वकील बचा। और नाम में ट्रक से अभी महीना भी नहीं हुआ, एक्सीडेंट करवा दिया सारे सबूत मिटाने के लिए। लेकिन भगवान ऊपर है, देखता है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के एम्स में वेंटिलेटर के ऊपर वो बेटी अपने वकील के साथ जिंदगी मौत से जूझ रही है, दम नहीं तोड़ रही, इस उम्मीद में कि शायद न्याय मिलेगा उसे, शायद न्याय मिलेगा उसे। ये हो रहा है भाजपा के राज में, बेटी बचाओ। प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था बेटी बचाओ, गलती आपकी और हमारी थी, समझ नहीं पाए। बेटी बचाओ तो
बोल रहे हैं बेटी बचानी किससे है, अब समझ आ रहा है बेटी किसी और से नहीं, सत्ता में बैठे भाजपा के नेताओं से हमें बेटियां बचानी थी, इसी संघी की संकीर्ण सोच से बेटियां बचानी थी, ये तो अब समझ आ रहा है जब देर हो चुकी है। कौन है पार्षद बताया, विधायक बताया, कौन है चिन्मयानंद, कौन है भाजपा के सांसद रहे, केंद्र के मंत्री रहे, बेटी ने बलात्कार का आरोप लगाया, अदालत ने पुलिस ने सबूत मांगे, बेटी ने सबूत दे दिए, जेल कौन गया बलात्कार के आरोप में, चिन्मयानंद नहीं गया क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश और भाजपा की सरकार बचाने में लगी थी, वो अस्पताल में आराम करवाता है और बेटी जेल में बैठी है आपकी, डरा दिया, आवाज उठाओगे तो ये होगा, इसलिए जो आवाजें उठनी थी न्याय के लिए वो दबा दी गई। ये चाल चरित्र और चेहरा है इस सरकार का, चिंता आपको करनी है, ये मात्र वोट की लड़ाई नहीं है कि 21 तारीख को तरलोचन सिंह जी को यहाँ से जिताना है या नहीं जिताना, कांग्रेस को लाना है या नहीं लाना, ये लड़ाई ये सोच इससे बहुत कहीं आगे जाती है। 20 साल कांग्रेस में दिए, दिल्ली में बदलाव की लड़ाई थी, रामलीला पहुंची, अन्ना आंदोलन में पहुंची, अपने ही मुख्यमंत्री से विधानसभा के अंतिम सत्र में मैंने पूछा कि नशे के खिलाफ आए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, कहां है हमारा जन लोकपाल कानून, क्यों नहीं रामलीला मैदान चलते, क्यों नहीं वही आंदोलन दोबारा खड़ा करते, पहले कांग्रेस की सरकार थी तब किया, आज भाजपा की सरकार है चलिए, नहीं घुटने टेक दिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी, तो एक उन्हीं से उम्मीद बची थी। सदन में पूछा, विधायक थी, कि पिछले 5 साल में केजरीवाल सरकार ने नशे के खिलाफ लड़के कितने दारू के ठेके खुलवाए, कितने बंद किए, जवाब मिलता है कि 5 साल में एक भी दारू का ठेका खुला नहीं, बल्कि 133 दारू के ठेके खुलवा दिए गए, उसी दिन इस्तीफा देकर भाजपा में नहीं गई, कांग्रेस में वापसी की, कांग्रेस में वापसी की। लोग कहते कहती तो है 25 साल से राजनीति में है, बेवकूफ लगती है, भाजपा में चली जाती, टिकट मिलती, चुनाव लड़ती, जीतती, मंत्री बन जाती, ये तो करने नहीं आई थी मैं, 25 साल यूं तो नहीं दे दिए, बदलाव के लिए आए थे, वो बदलाव जो आम आदमी की गरीब की जिंदगी में देखना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने अखबार टीवी पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो जो मैं बात कर रही हूँ उसे जाकर पता कर लीजिएगा कि कितना झूठ और कितना सच बोलकर जा रहे हैं। आज वैश्विक भुखमरी के आंकड़े आए हैं, आज वैश्विक भुखमरी के आंकड़ों में भारत हमारा देश जिसे एक समय पर किसान प्रधान देश कहा जाता था, वहां का किसान आत्महत्या कर रहा है, जिसकी आय दुगनी करने की बात मोदी सरकार कर रही थी, आज उस किसान की आय तो दुगनी नहीं हुई, अदानी अंबानी की आय दुगनी क्या सोगुनी कर दी आपने। भुखमरी के आंकड़े गर्व महसूस करिए तो करिए, मोदी मोदी कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखिए उस तरह 117 विश्व में 117 देशों की गिनती होती है और 117 देशों में हमारा देश भुखमरी में 102 नंबर पर खड़ा है, बदतर हालत है, चाइना 25 नंबर पर, लगातार गरीबी को भुखमरी को हटाने के लिए चाइना ने प्रयास किए, दुश्मन देश है चाहे हमारा, दुश्मन में भी सीखना है सीखो, अगर भुखमरी 20 करोड़ लोग आज भी भूख गरीबी रेखा से नीचे हैं और भुखमरी का शिकार हो रहा है, तभी विश्व में 102 स्थान पे हम लोग खड़े हैं। आए थे शी जिनपिंग, लगा मोदी जी जरूर उनसे उनके देश में तरक्की विकास भुखमरी से गरीबी से कैसे लड़ा जा रहा है, किसान कैसे तरक्की वहां कर रहा है वो पूछेंगे, पर क्या किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उनके टूर गाइड बनकर पहला दिन पूरा टूर गाइड और सांस्कृतिक कार्यक्रम मनोरंजन मंदिर में नॉन वेज व्यंजन परोसने में खत्म कर दिया। पूछ लेते उनसे कैसे गरीबी से भुखमरी से लड़े हैं, नहीं पूछा, नहीं पूछा क्योंकि मकसद वो था नहीं, मकसद सिर्फ जुमलेबाजी करना, सुर्खियां बटोरना, ढोंग करना, दिखावा करना, इसके अलावा भाजपा को कोई काम नहीं, चाहे बेटी बचाओ का नारा हो, किसानों की आत्महत्याएं हो, चाहे भुखमरी से लड़ता हुआ हमारा भारत हो, पाकिस्तान हम 102 स्थान पर है तो पाकिस्तान 94 पर है, बांग्लादेश नेपाल श्रीलंका हमसे बेहतर कर रहे हैं और निरंतर भुखमरी से लड़ने में वो कामयाब हो रहे हैं। इतने विदेशी दौरे करते हैं प्रधानमंत्री जी, सीखा से कुछ तो इस देश के हाथ में लगता, 2016 में नोटबंदी की, काला धन खत्म हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, सबके बैंकों में जो कितने आने थे मैं भूल ही गया, 15 लाख आने थे,
काला धन आएगा, उद्योग लगेंगे, इंडस्ट्री लगेंगी, रोजगार मिलेगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, करनाल में, हरियाणा में पिछले 5 या 2016 से कितनी इंडस्ट्री उद्योग लगी, कितने लोगों को रोजगार मिला? क्या आंकड़े हैं बेरोजगारी के? 45 सालों में सबसे अधिक बेरोजगारी इस देश में आज है, सबसे ज्यादा। बेटियों के प्रति अपराध सबसे ज्यादा, किसानों की आत्महत्या सबसे ज्यादा, यह मात्र पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है। तुलना कर दीजिएगा कांग्रेस के समय से और भाजपा के साथ में, जहां पर सिर्फ संघियों को ला ला कर, चाहे वो हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, संघी सोच को, संघी एजेंडे को लागू करने के लिए बिठाई हुई है, जो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करना, मंदिर और मस्जिद करना, भाई भाई से भाई को लड़वाना और जहर नफरत का काम करता है और कुछ नहीं करता। भगत सिंह जी का नाम लिया, भारत रत्न सावरकर को मिलना चाहिए, भगत सिंह को क्यों नहीं मिलना चाहिए? मोदी जी बता दीजिए हमें। ये सोच इनकी संकीर्ण सोच है, जिससे लड़ने के लिए मैंने खुद कांग्रेस में एक बार फिर से वापसी की है। 5 साल के लिए पार्टी छोड़ी थी, आंदोलन में चली गई, पार्टी छोड़ी लेकिन विचारधारा नहीं छोड़ी, वो विचारधारा जो गांधी और बापू की विचारधारा है, जो सत्य और अहिंसा में देश को एक रख कर आगे ले जाने की विचारधारा है। पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक देख रहे हैं, रो रहे हैं लोग, खून पसीने मेहनत की ईमानदारी की आम आदमी की कमाई, कोई घर में काला धन बोरों में नहीं रखा था, सबने ईमानदारी से अपनी कमाई का पैसा पूरे समय के लिए बैंक में रखा था, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। क्या हुआ? लूट के ले गए, ताला लग गया, 3 लोगों में से एक दो की हार्ट अटैक से मौत हो गई, एक ने खुदकुशी कर ली, पैसा नहीं मिलेगा। पहला बोला 1,000 रुपया मिलेगा 6 महीने में, फिर एहसान किया, बोला 10,000 निकाल लीजिए 6 महीने में, अब बोल रहे 25,000 निकाल लीजिए। उस आदमी की बेटी की शादी है, 10-20-25 हजार में बेटी की शादी होती है, और फिर यही प्रधानमंत्री का दृश्य याद होगा, विदेश की धरती में जाकर नोटबंदी के बाद ठाके लगा है, नहीं कह सकता बेटियों का दर्द जानता। आज खट्टर जी भी बेटी का दर्द नहीं जान रहे, इसलिए बेटियों के लिए इनकी सोच और नजरिया समय समय पर हम सबके सामने आता है। बेरोजगारों ने रोजगार मांगा तो बोला पकोड़े तलो, अब तो पकोड़े भी नहीं तले जाएंगे, महंगाई में प्याज 80 रुपए किलो है, टमाटर 60 रुपए किलो, मजाक और मखोल बना दिया है, मजाक और मखोल। भाजपा के लोग प्रचार कर रहे हैं, क्या प्रचार है? अरे इंस्टाग्राम, आधे लोगों को तो पता नहीं भाई ये होता क्या, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सुना था, इंस्टाग्राम क्या होता है? प्रचार किया जा रहा है, मोदी जी विश्व में इंस्टाग्राम में सबसे ज्यादा उनके फॉलोवर बन गए, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट को पीछे छोड़ दिया, वाह मोदी जी वाह। लेकिन ये नहीं देख रहा कि आपके डॉलर ने, अमेरिका के डॉलर ने भारत के रुपए को पीछे छोड़ दिया है, $1 आज 72 रुपए पर पहुंच गया है। मनमोहन सिंह जी के टाइम पर, अर्थशास्त्री है मनमोहन सिंह जी, आरबीआई के गवर्नर रहे, 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, आंकड़े उठा लीजिए, गर्व होगा उस आदमी पर, आज 87 साल की उम्र में भी महाराष्ट्र में देश के लिए, देश के गरीब आम आदमी किसान को आवाज देने के लिए आज महाराष्ट्र में बैठे हुए, घर नहीं बैठे हुए। मैं हरियाणा के लोगों से कहूंगी, यही से वापस लौट जाऊंगी, त्रिलोचन सिंह जी का कर्ज था, करनाल के लोगों का कर्ज था, 2003 का कर्ज था जो उतारने आई है, यहां से आवाज करनाल की इस विधानसभा से बाहर जाएगी, हरियाणा तक रहेगी, दिल्ली तक पहुंचेगी, देश तक, ये आपको देखना है। पर मैं एक बात कहकर जा रही, एक राजा बहुत तानाशाह हो गया था, प्रजा बहुत उससे त्रस्त और परेशान हो गई, बार बार पूछने लग गए कि राजा तानाशाह हो गया है, प्रजा की सुनवाई नहीं करता, अत्याचार हो रहे हैं, क्या करें? राजा ने कहा, जो भी जिसके पास गए थे उनके पास जाकर उन्होंने कहा कि राजा की जान तोते में बसती है, एक एक करके उस तोते पर हमला करो, राजा अपने आप सत्ता से नीचे आ जाएगा, वो तोता कहीं और नहीं करनाल में है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैजा, लांबा, विधानसभा करनाल।
राजा की जान तोते में है। 21 तारीख को ईवीएम का एक एक बटन उस तोते के ऊपर चोट करेगा और वो चोट दिल्ली में बैठे राजा तक को चोट पहुंचाएगी, उसे इस बात का एहसास करवाएगी कि किसान दुखी है, आत्महत्याएं कर रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, बेटियों के साथ अपराध हो रहे हैं। जाग जाओ राजा, नहीं तो ये छोटी सी फिल्म है, कोई नहीं 4 साल बाद आपको भी सत्ता से बेखल करेंगे। ये मौका मिला है आपको। त्रिलोचन सिंह जी ने बताया, यही पैदा हुए, पले बड़े, यही के सुख और दुख में आज से नहीं 80 के दशक से लड़ रहे हैं। खट्टर जी कब आए? पहला चुनाव सब नेताओं को भाजपा में खत्म करना था, नया चेहरा देना था जो इनका मोहरा बनकर यहाँ पर आरएसएस संघ के एजेंडे को लागू करे। खट्टर साहब मिले, बिठा दिया मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। आज अभी यहाँ पर रास्ते में एक जवान का फोन आया, वो जवान सरहद पर है, हरियाणा का है, नाम नहीं लूंगी, जिसको शक हो बात करवा दूंगी सेना के जवान से, इस शर्त पे कि उस सेना के जवान की बात को आप बाहर नहीं लाएंगे, क्योंकि उस सरहद पर बैठा हुआ है। किसी ने मेरा नंबर दिया, उन्हें फेसबुक ट्विटर पे भी सब लोग जानते हैं, इसलिए नंबर दिया, अलका लांबा से बात करो। सेना के जवान से बात की, सरहद का हाल पूछा, बोला बात तो की थी कि नोटबंदी के बाद नक्सलवाद आतंकवाद सब काला धन खत्म हो जाएगा, पर सब कुछ खत्म नहीं हुआ, हालात बद से बदतर हो रहे हैं। डर इस बात का है कि 300 धारा 70 के बाद वहां जो कर्फ्यू जो हालात है, जब वो हटाया जाएगा तो स्प्रिंग की तरह नौजवानों को जो दबाकर, लोकतंत्र की आवाज को दबाकर, एक एक आदमी को आवाज को वहां दबाकर सबको उन्होंने अंदर किया हुआ है, क्या हालत होंगे, इसको लेकर वो जवान भी चिंतित है। लेकिन उसने कहा क्या मुझसे, बोला अलका जी मेरे पिता मेरे माता जी बुजुर्ग हरियाणा के में रहते हैं। नंबर दिया, पिता से बात हुई। भाजपा की सरकार है दिल्ली नगर निगम में, 12 साल से सरकार है, 3 मेयर इनके हैं, भारत माता की जय, जय जवान। बालकोट पठानकोट उरी नारगोटा पीठ पे हमले हुए, क्या मिला भारत को? और जवान के पिता से बात हुई तो शर्म आई मुझे भी, सिर्फ ये कहा कि मैं दिल्ली नगर निगम में नौकरी करता था, 2017 में रिटायर हुआ हूँ, मेरी पेंशन का 6 लाख रुपया रुका हुआ है, एक बेटा है, देश को सौंपा है, सरहद पे बैठा है, चिंता हो रही है पीछे बाप का, पैसा मिल जाए तो माँ बाप गुजारा कर लेंगे, ये चिंता वहां सरहद पे बैठे आदमी को है। भाजपा के राज में शर्म आई कि सरहद पे बैठे जवान के को अपने माँ बाप की चिंता हो रही है। यहाँ तो ये सुनते थे कि जवान सरहद पे जाता था तो पूरा के पूरा गांव उस परिवार को गोद ले लेता था, उसकी चिंताएं ले लेता था, लेकिन आज केंद्र की भाजपा सरकार कहे या नगर निगम, भ्रष्ट लोग सिर्फ उगाई और कमाई के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। इनके भाषणों में सुनिएगा, रोजगार के लिए कोई इनके पास नीति नहीं है, 45 साल में बेरोजगार हो रहा है युवा, क्या रोजगार है, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कोई नीति नहीं है। भाषण में क्या आएगा? रफाल आएगा। भाषण में क्या आएगा? पाकिस्तान आएगा। भाषण में क्या आएगा? हिंदू राष्ट्रवाद आएगा, जहर नफरत आएगी, बांटना आएगा। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, मुझे बहुत हैरानी हुई, पीछे से आवाज आई, प्रधानमंत्री मोदी जी सारे भाषण में आपने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, नो। अब मोदी जी को भी समझ नहीं आई, पूरा भाषण खत्म हो गया, पाकिस्तान का जिक्र नहीं आया, ये कैसे हो सकता है? बौखलाहट में क्या बोला मुझे नहीं मालूम है, ये बोला हरियाणा का पानी पाकिस्तान जा रहा है, उसको वो रोकेंगे, एक बार फिर वोट दे दो, वो पाकिस्तान का पानी हरियाणा में वापस लाएंगे। मैंने तो पूरा नक्शा देख लिया कि हरियाणा का बॉर्डर पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है भाई, या नक्शा बदल दिया तो रात रात में संघियों ने पता नहीं मुझे कि हरियाणा को उठा के बॉर्डर पे ले गए हो, पाकिस्तान से मिला दिया हो, पानी जा रहा हो। भक्तों की आंखों में इतनी पट्टी बंधी हुई है, उस पे भी तर्क दे रहे थे। अरे नहीं अलका जी, आप तो कहती है आपने साइंस में विज्ञान में पढ़ाई की है, आपको ये पता है कि बादल होते हैं, बादल पानी सोखते हैं, फिर पानी सोखते तो बादल कहीं जाते और वर्षा करते हैं। मैं कहा ये तो बात बिल्कुल ठीक है, ये तो हमने विज्ञान में पढ़ा है कि बादल पानी सोखता है, फिर अपने में पानी भरता है, फिर वर्षा करता है। वही तो प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं, वो बादल ने हरियाणा का पानी सोखा और जाके पाकिस्तान में बह गया, तो हरियाणा का पानी वहां चला गया, क्या बात है।
ये मूर्ख लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, ये इस तरह के बेतुके तर्क वही दे सकते हैं। मैं आपसे सिर्फ यही कहने आई हूँ, इनके इन बेतुके देखिए कितना लूटा जा रहा है। दिल्ली से आके करनाल के लोगों को मुझे बताने की जरूरत है? बताने की जरूरत है कितना विकास हुआ, कितने उद्योग लगे, कितनी इंडस्ट्री लगी? ये आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। मैं तो वो लाई हूँ जो भारत की, कहते ना आईने के बहुत करीब खड़े हो जाओ तो आप खुद को भी नहीं देख पाएंगे, आपको थोड़ा दूर होना पड़ता है। इसलिए मैं दिल्ली में बैठ के हरियाणा और करनाल की तरफ देख रहे हैं कि जिस तरह से तेजी से हुड्डा सरकार 10 सालों में केंद्र की सरकार ने और हुड्डा सरकार ने दोनों ने मिलकर जितनी तेजी से हरियाणा को विकास के रास्ते पर आगे लेकर गए थे पिछले 5 सालों में, उतना ही केंद्र की भाजपा सरकार और खट्टर सरकार हरियाणा को पीछे लेकर गई। मैं आपसे सिर्फ यही कह रही हूँ, किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी वो मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि वोट आपको करना। लेकिन एक बात कहूंगी, वोट करने निकलिएगा 21 तारीख को, बहुत सोच समझ कर वोट करिएगा। पूरे देश की नजर हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव पर है, क्योंकि हमारा दिल्ली का चुनाव 3 महीने के बाद आएगा। और अगर मैं साफ कह रही हूँ, यहाँ पर अगर भाजपा को उखाड़ने में संघियों की महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए संकीर्ण सोच को उखाड़ने में कामयाब रहे तो यकीनन दिल्ली में भी हम रोकने में भाजपा को कामयाब होंगे, जैसे पिछले 25 सालों से हम कामयाब हो रहे हैं। ये पहल आपको करनी होगी, ये पहल हरियाणा को करनी होगी। खूब पैसा है इनके पास, कोई नोटबंदी के बाद भाजपा के पास पैसों की कमी नहीं रह गई। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, सबको थैलों में पैसे भर भर कर 2016 के बाद हवाई जहाज में बिठाकर इन्होंने भगाया। सरकार आपकी थी, जहाज आपके थे, इमिग्रेशन आपका था, आपकी खुफिया विभाग को पता नहीं लगा। नोटबंदी के बाद जिनके पास काला धन था वो उठा उठा के भागे, और चोट और मार किसको पड़ रही है? उस गरीब आम आदमी को जो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ अपने खून पसीने मेहनत की कमाई को बैंकों में रख रहा था। आपने उन बैंकों को भी लूट कर उस आदमी को आज रोने के लिए, मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर कहूंगी, हरियाणा के अंदर करनाल में मेरी इस चुनाव की, क्योंकि मैं चुनाव प्रचार में नहीं उतरी, मैं सिर्फ त्रिलोचन जी के लिए उस कर्ज को उतारने आई हूँ, और आपसे 2 महीने के बाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मैं ये पूरी उम्मीद करके जा रही हूँ कि मैं जब चांदनी चौक की विधायक हूँ, अगर आप लाल किला देखने आए, शीशगंज गुरुद्वारे आए, आप हमारी ऐतिहासिक जामा मस्जिद देखने आए, आप पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन आए, आप बस अड्डा उतरे, तो आप मेरी विधानसभा में उतरेंगे। आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जाते जाते सिर्फ ये कह रही हूँ कि 2 महीने के बाद दोबारा चांदनी चौक से चुनाव लड़ूंगी तो त्रिलोचन सिंह जी के नाम के आगे विधायक त्रिलोचन सिंह लगा हो जो मेरे लिए, आपकी बेटी बहन के लिए, इस आवाज को जिंदा रखने के लिए प्रचार करने आपके साथ आए। इन उम्मीदों के साथ 21 अक्टूबर याद रखिएगा। जय हिंद, जय आज चुनाव प्रचार के लिए आप आए हैं हरियाणा में, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैंने वही कहा, राजा की जान तोते में बसती है। ये सत्ता में बैठा एक तानाशाह राजा का तोता है करनाल के अंदर, जिसपे 21 तारीख को सबको एक वोट से चोट करने को कहा है, क्योंकि तानाशाह राजा जो है बिल्कुल जनता को गुमराह कर रहा है। आज बेरोजगारी 45 सालों में सबसे चरम पे है, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, और हर तरीके से हरियाणा का विकास जो हुड्डा जी के नेतृत्व में 10 साल यहाँ और केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में आगे लेकर गए थे, पिछले 5 साल में उसे खड्डे में डाला है। और बिल्कुल उस रंगा सिहार की तरह मैं यहाँ के मुख्यमंत्री जो है खट्टर जी को देख रही, उस रंगा सिहार की मंत्री तो बन गए, असली रंग संघी का रंग है जो महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए एक संकीर्ण सोच और मानसिकता रखता है। उस रंगा सिहार का असली रंग जनता के सामने आ गया है। मुख्यमंत्री के सामने खड़े हैं त्रिलोचन सिंह, मुख्यमंत्री की वाक शैली के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल लोग इस तरह से सुनने नहीं आते। अगर खट्टर जी ने बहुत काम करनाल के लिए किया होता, बिल्कुल लोग इस यहाँ से बिल्कुल सरदार जो है हमारे त्रिलोचन सिंह जी के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये यहीं पैदा हुए हैं, यहाँ का संघर्ष लड़ाई लड़ी है, और यहाँ के लोग जो मुझे लग रहा है यहीं के आदमी को देखना चाहते हैं अपने बीच में विधायक के तौर पर। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।